मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की भांति कांटा फोड़ के किसानों की सोयाबीन बीज के लिए भटक रहे हैं। किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस और नगर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला सहकारी बैंक पहुंचे, जहां पीसीसी सदस्य युवा नेता मनोज होलानी ने बीज की उपलब्धता के लिए जिलाधीश और कृषि मंत्री के नाम का ज्ञापन संस्था प्रबंधक को सौंपा है। होलानी ने प्रबंधक को कहा कि आगामी सप्ताह मानसून के सक्रिय होने के पूर्व आज तक की स्थिति में किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हो पाया है। कई संस्थाएं आज भी बीज से वंचित है, जो किसानों के लिए अभिशाप होने के बराबर है। हमारा यह अनुरोध है कि अविलंब 2 दिवस के बीज उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में हम किसानों को लेकर आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजाराम यादव और जिला प्रवक्ता निर्मल पुरोहित ने भी किसानों की स्थिति से अवगत कराते हुए प्रबंधक को किल्लत दूर करने को कहा है। सत्वासा जीतू सिंह की रिपोर्ट। भी सेवा सरकारी संस्था है, वहाँ निश्चित की कहीं ना कहीं से बीज की सुगमता हुई है, मगर हमारे काटापुर सोसाइटी में आज तक बीज की उपलब्धता नहीं हुई है। आज हम सब कांग्रेस गण और हमारे किसान साथियों के साथ यहाँ इकट्ठा होकर इसलिए आए हैं कि हम ये इनसे निवेदन कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप तत्काल बीज मंगाया जाए। 2 दिन में या 3 दिन में बीज की व्यवस्था होनी चाहिए। मानसून आ जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर हम क्या बीज क्या करेंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं कि बीज जो भी आए गरीब किसान तक पहुंचे, ऐसा ना हो कि गांव के कुछ 4-5 भामाशाहों को डायरेक्ट डिलीवरी हो जाए और हमारे गरीब किसानों को बीज ना मिले। और बीजेपी के जो लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर हुजूम बना के अपने हाथों से जो बीज बांटते हैं, ये नेतागिरी फालतू की ना करें। यहाँ की संस्था में कर्मचारी है, सोसाइटी से ही बीज मिले और इनके द्वारा बाकायदा नामजद लोगों को बीज दिया जाए। चेतावनी दी है कि प्रदेश में 20 तारीख तक पूर्ण रूप से बारिश होने की संभावना है। कांटा फोड़ में किसान के पास किसी भी प्रकार से सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं है। कुछ संस्थाओं में बीज आया है तो उसको इस प्रकार से वितरण किया गया है कि 10 एकड़ जमीन में अगर किसान की है तो उसको 1 बैग दिया गया है, अगर 2 एकड़ की है तो उसको 1 बैग दिया गया है। इसका मतलब यह कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान किसानों को सहकारी संस्थाओं से बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज हम समस्त सभी किसान बंधु और कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी शासन से ये मांग कर रहे हैं, आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि किसानों को बीज सही उपलब्ध कराया जाए ताकि समय पर किसान अपनी बोनी कर सके। और किसानों की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनके बारे में भी आज हमने यहाँ के मैनेजर साहब का अवगत कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।